जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। मैं मनोज बलूनी, आप देख रहे हैं मेरे चैनल बलूनी फिल्म्स में। स्वागत है आप सब दोस्तों का। दोस्तों आज के दिन ही यूपी से हटकर नया राज्य उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। हैप्पी बर्थडे टू उत्तराखंड। इस वीडियोस को पूरा देखें क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड से प्यार करते हैं और उत्तराखंड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यह वीडियोस आपके लिए ही बनाई गई है। इस वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे, प्लीज स्किप ना करें। आइए उत्तराखंड के संबंध में कुछ बातें जान लें। हम यह बलिदान कभी नहीं भूल सकते उन उत्तराखंडियों का जिन्होंने अपनी जान गंवाकर इस उत्तराखंड को अलग करने के लिए अपनी जान नौछारों कर दी। मुजफ्फरनगर कांड आपको याद होगा, रामपुर तिराहे में ये काम की थी उन्होंने। बस के बसे लापता हुए थे, गन्ने को खेत में उन्हें काट के मार के फेंक दिया गया था और बहुत ही नाइंसाफी हुई थी। क्या करें दोस्तों, इस दिन बहुत सुखी का दिन है या दुख का दिन है हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वां राज्य के रूप में भारत गणराज्य के में शामिल किया गया। वर्ष 2000 में 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमाएं से लगे राज्य हैं। हिंदी और संस्कृत उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के बहुत ज़्यादा मंदिर आपको यहीं दिखाई देंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत सारे द्वार हैं जहाँ आप भरीपूर्वक जा सकते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही यह राज्य हिंदू धर्म से सबसे पवित्र मानी जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियाँ गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल यहाँ है। आप 20वें जन्मदिन पर खुशी मना रहे हैं, आओ चलते हैं। हमारे ये आप जो वीडियोस देख रहे हैं ये मेरा ससुराल है। आपने पहाड़ी शादी पिछली वीडियोस में मेरे साले की शादी हुई थी, यहाँ का पूरा वीडियोस में दिखा चुका हूँ। आप चाहे तो बैग में जाकर इस वीडियोस को बहुत अति शादी की वीडियोस को देख सकते हैं, लुफ्त तो ले सकते हैं। देखिए आज के दिन यहाँ ये हालत हो चुकी है यहाँ मकानों की। उत्तरांचल में जो है जहाँ पहले लोग थे इसी कमरे पे मेरा पूजा वगैरह हुई थी और आज देखिए ये किस स्थिति में पहुँच चुका है, पूरा टूटे की स्थिति में। दिन प्रतिदिन जो हमारा उत्तरांचल पिछड़ता जा रहा है, आखिर करे तो करे क्या। ये इतना बढ़िया गांव, इतना यहाँ मई जून है, देखिए ये जून का महीना है लेकिन जून के महीने में भी आपको हरियाली दिखाई देगी, ठंडक दिखाई देगी, गर्मी का कोई एहसास इसमें नज़र नहीं आएगा आपको। तो देखिए ना, अब जितने साल ज़्यादा होते जाते हैं ये गांव में जो है छोटे मोटे गांव बिल्कुल कंकाल कहरगी का कगार पर पहुंच चुके हैं, ये खाली होते नजर आए। मुश्किल से इस गांव में 4-5 परिवार ही रह चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है पहले बहुत ही भीड़ भाड़ हुआ करती थी लेकिन आज सारा खंडर बन चुका है, टूट फूट चुके मकान आपको देखेंगे, कहीं टूटा हुआ है कहीं कुछ है। और हल खेतों के क्या हाल है मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि जो हलों से काम किया जाता था वो कैसे कैसे हल हुआ करते हैं और कैसे कैसे जो है जिंजरे हुआ करते हैं, वो किस मॉडल के हुआ करते थे, मैं आगे वीडियोस में आपको लेके जा रहा हूँ, आप देखिए। हमारे यहाँ पे बहुत ही दुर्दशा हो रही है मकानों की, जमीनों की, बहुत ही जमीन है लोगों की लेकिन यहाँ पे सुविधाएं ना होने के कारण। देखिए ये हल है देसी हल और ये गांव है कि कहीं पे कोई नामो निशान मिटता जा रहा है धीरे धीरे, आने वाले समय में आखिर ऐसा हो रहा है। सरकारें कुछ मदद करे, कुछ योजनाएं निकाले, कुछ लोभन दे जो कि यहाँ पे रह सके और फिर से घर परिवार बस सके और चहल पहल फिर से महक उठे। और ये आज ये हालत हो चुकी है, देखिए ये हल है, यहाँ पे दो बैलों को जोड़ा जाता है, इसे कहते हैं देसी हल। यहाँ पे सिर्फ
हमारे यहाँ पे तो पलटने वाले हल होते जो मट्टी को पलटते हैं, ये मट्टी के अंदर अंदर ही चलते हैं ये हल। और आज ऐसी दुर्दशा समय है तो आप देखिए कैसे पड़े हैं, कोई इनका यूज़ नहीं हो रहा है। 100 में से 1% यूज़ होता है, बाकी तो सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ काम के नहीं है। देखिए कितना सुंदर से तरीके से अभी भी इसमें जो है धार लगी है, आप जो देखिए अभी भी बिल्कुल मजबूत है। तो बहुत कम यूज़ किया जाता है यहाँ पर ये हल, जो है किसी किसी के हैं तो परिवार ही नहीं है या तो फिर उजार जानवर भी यहाँ पे आते हैं और खेत में तहलका मचा कर चले जाते हैं, सब खा लेते हैं जितने भी यहाँ पर होते हैं। तो आप देखिए कितने अच्छे ढंग से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये जिंजरा होता है, जिंजरा जो धान लगाते हैं तो मट्टी को खींच के लाते हैं और लेबल करते हैं जमीन को। और ये पाटा है जुआ, पीछे जो आप देख रहे हैं ये तो मैंने अब यहाँ पे डंडा जुड़ा होता है, दो बैल जुड़े होते हैं। अब ये टूट फूट के बिल्कुल किनारे, क्योंकि धान तो आजकल कोई लगाता ही नहीं, पानी की कमी अलग हो चुकी है। और ये पीछे जो है ये जुआ है, इसमें आज मट्टी प्लेन खेत प्लेन कर सकते हैं। और ये लकड़ियाँ काटी गई हैं यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से, लकड़ियों की कमी नहीं है, घास की कमी नहीं है, गायों की भी कमी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अरे मकानों के तो बस आप क्या कहें, आप खुद ही देखिए कैसे हाल हो चुके हैं हमारे उत्तरांचल के, इतना सुंदर इतना बढ़िया उत्तरांचल। और ये कंडीले का पेड़ है, आपने बिच्छू घास सुना होगा कि एक बार लग जाए तो तन लाल हो जाता है और आदमी हाल बेहाल हो जाते हैं। सीधे हाथ से अगर जो आप इसको पकड़ते हैं तो नहीं लगता है, लेकिन उल्टे हाथ पे चमड़ी पे अगर जो है लग जाए तो बहुत ही झंझना लगता है। देखिए मैं सीधे हाथ से छू रहा हूँ, सीधे हाथ से पकड़ रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ भी मेरे पे नहीं लग रहा है। गलती से आपके बैक साइड पे इसके धारा जो लगे तो इसके अंदर बहुत खतरनाक जहर होता है। लेकिन तो इसकी खिचड़ी बहुत सुंदर होती है, हमने खाई है, इसका साग होता है और खिचड़ी में। और ये देखिए ये लिखा गया अग्ने भ्याल पाटिक दुगम लग्न भारे देख बालिक जैने अग्ने भ्याल बाटिक दुर्गम लमंडक दौर जो भैलू देख भागी दली, मतलब आगे गिरने का डर है। आप जो है रास्ता ऐसा है कि आप गिरने का डर है, आप जो है ढंग से चलिए तो जो है ये बार जगड़ के वे बोर्ड लगाई गई। चीड़ वृक्ष है, ये तारकेश्वर रोड है दोस्तों, तारकेश्वर रोड है। और यहाँ पहाड़ों पर भी हमारे फौजी भाइयों का कैंप लगा है कि कैसे जो है यहाँ पे झाड़ी काट के साफ करिए, बिल्कुल साफ फौजी भाइयों ने किया है, ट्रेनिंग चल रही है सारे दिन की। ये देखो डंडा लेके पड़ रहे हैं और पीछे नदी में रोटी भी बना रहे हैं। तो यहाँ से दिखाई दे रहे हम जो है वापस आ रहे थे कोटद्वार अपने यहाँ पे, तो रास्ते में गाड़ी रुकी तो हमने कहा आपके लिए थोड़ा सा सुंदर सा सीन शॉट लिया जाए बलूनी फिल्म के लिए भी। और हाँ दोस्तों, अगर जो अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो लाल बटन जो सब्सक्राइब करते हैं उसे काला कर दीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करें ना भूलें दोस्तों। जय हिंद जय भारत।